गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में मन्नु भंडारी का नाटक बिना दीवारों का घर, उसका अध्ययन किया था और उसी का आगे का हिस्सा जो है उसे देखेंगे। यहाँ मीना कहती है बुझे स्वर में, हाँ कोई नहीं करता, कभी कभी मन करता है कि कोई करे तब भी कोई नहीं करता। जयंत सिगरेट को घूंटों से लगाकर जेब में लाइटर ढूंढता है। मीना बीच मेज से दिया सलाई उठाकर जयंत की सिगरेट जलाने उसके पास पहुंच जाती है। सिंक की रोशनी में एक क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शोभा का प्रवेश दोनों को इस रूप में देखकर ठिठक जाती है। तो मीना जो है जयंत के घर आई हुई है, मैंने शोभा के घर, शोभा की सहेली है। तो जब वहाँ पर शोभा नहीं होती है तो उस वक्त उसे जो सिगरेट जलाने के लिए उसे हुआ कोशिश, मैंने उसकी मदद करती रहते हैं, तब शोभा आ जाती है। शोभा, बुरे मौके पर गुस्साई क्या? मीना सिगरेट जलाकर माचिस फेंकते हुए, नहीं 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 आओ ना। शोभा चाय के बर्तन रखकर चाय बनाती है। शोभा, देखो देखो जयंत, मीना जिद कर रही है कि कल शाम को इनके समारोह में जाऊं। अब तुम ही बताओ, आजकल रियाज कहाँ कर पाती हूँ? रियाज माने प्रैक्टिस, वो गाने वाली हैं, गाने के एक प्रोग्राम है उसमें जाना है। उसे रिक्वेस्ट करने के लिए जो यहाँ पर मीना आई हुई है। सो अदन शोभा अपने पति जो है जयंत से बताती है, देखो देखो आप जो बता रहे थे मुझे उनके उनके कार्यक्रम में जाना है, आप ही बताइए। मीना, तुम सिफारिश कर दो ना जयंत, सुना है तुम्हारे कहने से यह रेडियो में तो गा ही देती हैं। जयंत, गाती क्यों नहीं शोभा? कौन वहाँ बड़ा इम्तिहान हो रहा है जो कस्बे चौड़े रियाज की ज़रूरत है, लंबे चौड़े रियाज की ज़रूरत है। अस्ट प्रैक्टिस मोड आगत एंत उनटू आगे तेड़ी। शोभा, तुम कुछ देर ठहर जाओ मीना, ये आते ही होंगे, तुम कहोगी तो कभी मना नहीं करेंगे। जयंत, हाँ तो यूँ कहो ना कि अजित का डर लग रहा है, रियाज का बहाना क्यों बना रही हो? अजित नहीं आया है। तो अजित जो है शोभा के जो पति है, अजित के मतलब यहाँ पर जयंत और मीना दोनों दोस्त हैं, उनके दोस्त है शोभा के, उसके घर में आए हुए हैं और उसे कार्यक्रम में बुलाने के लिए। तब जो मीना कहती हैं कि जयंत को आने दीजिए, वो मतलब शोभा कहती है उनको आने दीजिए और उसके बाद बात करके जाइए। हाँ तो ही यूँ कहूँ कि ये अजित का डर लग रहा है, रियाज का बहाना क्यों बना रही हो? मीना, शोभा ठहर तो नहीं जाऊँगी, हाँ तुम कहो तो फ़ोन कर दूँ 10-10:30 बजे के बीच, पर गाना तुमको हर हालत में पड़ेगा, मैं अभी से कह देती हूँ। जयंत, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अजित इजाज़त देगा तो गाएंगी। शोभा से, एक बार में तुम्हारे कॉलेज आकर देखना चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को कैसे संभालती हो, बिना पूछे एक गाना गाने की हिम्मत तुम में है नहीं। सुजयंत से शोभा से पूछें, तुम कॉलेज में पढ़ाती हो सो लड़कियों को कैसे पढ़ाती हो? मैं आकर तुम्हारे कॉलेज में देखना चाहता हूँ तुम कैसे पढ़ाती हो। शोभा, अरे आप आ गई जी, यह मीना। मीना नमस्कार करती है, जीजी भी करती हैं और बड़े गौर से उसे देखती हैं। जयंत कुछ अटपटासा महसूस करता है। मीना, बैठिए। जीजी बैठते हुए, इस समय तो बस में आने से प्राण ही निकल जाते हैं। शोभा, आप बस में घुस कैसे लेती हैं इस समय? मुझे तो इसी में आश्चर्य होता है,
आप शाम को क्यों नहीं जाते सत्संग में? जी, सत्संग में सवेरे न जाने से मुझे लगता है जैसे सारा दिन बिगड़ गया। मीना की ओर से, आप कलकत्ता तो नहीं रहती शायद? मीना, जी अभी आई हूँ। उठते हुए, अच्छा अभी तो चलूंगी, मैं 10-10:30 बजे के बीच अजीत को फोन करूंगी। यह थोड़ी भूमिका तुम बांध कर रखना। जयंत, तुम्हें आना किधर ही में किधर है मैना? तुम्हें जाना किधर है मैना? यहाँ से तो चौरंगी जाऊंगी। जयंत, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ शोभा से। और हाँ देखो, मेहता साहब एक नौकर भेजेंगे, बात करके देखना। अच्छा जी, इन्हें ज़रा छोड़ाऊँ? नमस्ते करके दोनों चलते हैं। जी, भीतर चली जाती हैं। जयंत, तुम्हारी क्लास कितने बजे? शोभा, 12 बजे। जयंत, हो सका तो मीना को छोड़कर एक चक्कर लगा लूँ। 11:30 पर मुझे इधर ही किसी से मिलने जाना है। शोभा कहती है, फिर कब आ रही हो मीना? आज के आने आने को मैं आना नहीं मानूंगी, समझी? मीना हंसते हुए, इतना आऊंगी कि तुम तंग आ जाओगी, बस मुझे जरा फुर्सत मिलने दो। अंदर इवत बंदद्दू अल्लाह, और भी तुम्हें आना चाहिए। तो वह मीना कहती, नहीं, मैं इतना आऊंगी, एस्ट बरते नंद्र निन बंदरू तुम्बा डिस्टर्ब आगो, उस तरह मैं आ जाती हूँ। जयंत और मीना जाते हैं, शोभा दरवाज़ा बंद करके भीतर जाती है। कुछ देर रंगमंच खाली रहने के बाद फिर घंटी बजती है। शोभा आकर दरवाज़ा खोलती है, अजीत का प्रवेश। अजीत, शोभा पति पत्नी है। शोभा, अरे आप आ गए हैं? अजीत बैग एक तरफ फेंक कर बैठता है। शोभा, मीना आई थी? अजीत आश्चर्य से, मीना कितनी देर ठहरी? हाँ, वह आजकल कलकत्ते आई हुई है। तो आई यहाँ? तुम्हें याद कर रही थी, अभी तो उसे कहीं जाना था सो ठहरी नहीं, बाद में आएगी। अजीत, अच्छा मुझे याद कर रही थी, वैसे क्या हाल है उसके? उसी समय जयंत भी आ गए। जयंत, इस समय? जरा सी ब्रुकुटी चढ़ जाती है, जिस पर शोभा का भी ध्यान जाता है, पर तुरंत अपने को सहज बनाता हुआ, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई ना? शोभा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जयंत उसे छोड़ने गए हैं। मुझे तो लगा दोनों के मन में हल्का सा अफसोस ही है शायद, रिग्रेट, स्वल्प हगुरवादा। अजीत, क्यों, कोई ऐसी बात हुई क्या? शोभा, नहीं बात तो नहीं हुई, ठहरी ही तो जरा सी देर, मुझे कल शाम को अपने समारोह में गाने का निमंत्रण देने के लिए आई थी। अजीत, पर तुम तो उसके लिए पहले ही मना कर चुके हो, कल ही तो कोई आया था बुलाने। शोभा, इसलिए तो वह खुद आई और तुमने हाँ कर दी होगी। शोभा भरपूर नजरों से देखते हुए, नहीं, इनकार कर दिया। तो अजीत पूछता, क्या कहा? कह दिया मेरे पास समय नहीं है। अजीत, हाँ और क्या, आखिर कहाँ कहाँ जाए और क्या क्या करे? कॉलेज, बच्ची और घर, यही काफी है, फिर इन सब में जाने जाने लगो तो कोई अंत ही नहीं है। मीना ने बुरा तो नहीं माना? शोभा, माना भी होगा तो क्या कर सकती हूँ, सबको तो एक साथ खुश नहीं रखा जा सकता। फिर टेलीफोन की घंटी बजती है, अजीत उठाता है। अजीत, हेलो, जी जी हाँ, जयंत बाबू, इस समय तो मैं
वे यहाँ नहीं है, आए थे चले गए। क्या 11:30 तक यहाँ फोन करने को कहा था? नौकर, जी हाँ नौकर तो यही चाहिए, आ तो जाना चाहिए, मकान तो बिल्कुल सड़क पर है। हाँ हाँ आता ही होगा। अच्छा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोन रखता है शोभा से। जयंत क्या 11:30 तक यहाँ रहने वाला था? पता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, आए तो मीना बैठी हुई थी। हाँ नौकर की बात ज़रूर कही थी कि मेहता साहब कोई नौकर भेजेंगे, और जाते समय यह भी कहा था कि हो सका तो मीना को छोड़कर वापस आएंगे। 11:30 बजे उन्हें इधर ही किसी से मिलना है। तो तब अजीत पूछता है, तुम्हारी क्लास कब से है? शोभा, 11 से। अजीत, तो मेरे साथ तुम नहीं चलोगी? अभी से जाकर क्या करूंगी, अभी तो मुझे अपना लेक्चर भी तैयार करना है। फिर फोन की घंटी बजती है, अजीत उठाता है। अजीत, हेलो। ओहो कौन मीना जी? हाँ नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसी हैं? देखिए आप आई और हमसे मिले बिना ही चली गई। हाँ हाँ क्या मेरी इजाज़त? कमाल करती हैं आप भी। बात यह है मीना जी कि शोभा खुद जाना पसंद नहीं करती है आजकल, इन सब चीज़ों के लिए बहुत समय चाहिए ना, और इतना समय वहाँ निकाल नहीं पाती। यहाँ तो रोज़ कुछ न कुछ लगाए रहता है, अब जिसके कार्यक्रम में भाग ना लो वही नाराज़, इसीलिए डॉक्टर भेज दूँ? आपने क्यों नहीं डांटा? अरे मीना जी आजकल पति बेचारे को कौन गिनता है? क्या कहा? मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी ठेढ़ी जिम्मेदारी दे रही है आप। खैर आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हाँ हाँ जाएगी, मैं भी ज़रूर आऊँगा। आप इधर कब आएंगी? हाँ जरूर, इसलिए ज़रूर आइए। खाली होते ही अच्छा नमस्ते। फ़ोन रखते हुए शोभा से, मीना का फ़ोन था, कह रही थी कि जैसे भी हो शोभा को गाना ही होगा, आप जोर देकर भेजिए। खुश ठहर कर, सोचता हूँ मीना के समारोह में तुम चली जाओ। शोभा हल्के मुस्कुराती हैं, क्यों मीना के समारोह में ऐसी क्या बात है भला? कुछ तो आया ही, आखिर उससे हमारा बहुत पुराना संबंध है। फिर वह यह ना समझ ले कि जयंत से संबंध टूटने के कारण हमने उससे भी संबंध तोड़ लिया। कल चली जाना। शोभा, जाकर करूँगी क्या? कोई गाना तैयार नहीं है, रियाज के लिए समय ही कहाँ मिल पाता है। रियाज मैंने प्रैक्टिस अली हो गंत आठ दूर आठ लिख रिया प्रैक्टिस मार ले ला गंत। अब ज़्यादा इतराव मत, कितने गाने तुम्हारे तैयार हैं? घंटी बजती है, अजीत उठकर दरवाज़ा खोलता है, एक अपरिचित व्यक्ति का प्रवेश, वह एक चिट्ठी देता है। अजीत पत्र पढ़ते हुए, तो तुम्हें मेहता साहब ने भेजा है? वह व्यक्ति स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है, क्या नाम है तुम्हारा? व्यक्ति, नाम तो साहब ने चिट्ठी में लिख ही दिया है। अजीत, ओह ओ, एक क्षण उसका मुंह देखकर फिर पत्र में देखता, ओह ओ, बंसीलाल, अच्छा तो देखो यहाँ काम करना होगा तुम्हें, पहली सारी बातचीत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंसी, हाँ साहब ठीक ही रहेगा। शोभा आती है, काम तो तुम सब करोगे ना? बंसी, सबसे क्या मतलब साहब आपका? अरे सब काम से मतलब यही कि कपड़े धोना। बंसी, बीच ही में कपड़े धोना? तो क्या साहब आपके यहाँ धोबी नहीं आता? काम वाला
वो पूछने लगता, आपके यहाँ धोबी नहीं आता? धोबी तो आता है, पर रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं उनको तो धोना पड़ेगा, और चौका बर्तन। बंसी, चौका बर्तन के लिए तो साहब आपको कहारिन रखनी पड़ेगी, वह हम नहीं करेंगे। अजीत, आप कपड़े नहीं धोएंगे, बर्तन साफ नहीं करेंगे, तो आखिर आप करेंगे क्या? बंसी कहता, हमारे लायक जो काम होगा वह सब करेंगे साहब। अजीत, आपकी लियाकत यहाँ के मुख्यमंत्री के नौकरों की फहरिस्त में हमारा नाम है साहब। मैंने वो काम करने के लिए आया हुआ है, वह कहता है मैं कपड़ा नहीं धोना, बट्टे वाश मार दिला, धुमाड़ दिले, धुमाड़ दिला, और अपने आप बताता है कि मैं उसके मुख्यमंत्री के जो नौकरों में नौकरों की लिस्ट में मेरा नाम है। वाह 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 वाह, क्या खूब, तब तो सचमुच तुम बड़े लायक आदमी हो यार। शोभा, अच्छा यह बताओ खाना वाना बनाना भी जानते हो या नहीं? बंसी, खाना? आप भी क्या बात करते हैं साहब, लोग लोग बागों ने हवाई जहाज बना लिए हैं और हम खाना नहीं बना सकते? अजीत शोभा हंसने लगते हैं, पर बात यह है कि साहब कि हम पहले जहाँ काम करते थे वहाँ हमें पका पकाया खाना मिलता था, फिर यह काम साहब है भी औरतों का, आदमी रसोई में चला भी भले ही क्या जाए, जंचता जरा भी नहीं है। अजीत, सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन। शोभा, अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? जी जी का प्रवेश, वे चुपचाप आकर खड़ी खड़ी हो जाती है। बंसी बोलता है नौकर, हमारी लियाकत देख लीजिए और आप ही तय कर लीजिए साहब, आप ही तय कर लीजिए साहब, हम क्या बोलेंगे भला। अजीत, बात यह है कि यह भी पहले से ही तय हो जाए तो अच्छा, वो तुम्हारी लियाकत का थोड़ा सबूत तो मिल ही गया। तो बंसी बोलता है, नहीं नौकरी के लिए पूछ कर आया हुआ जो बंसी जो है वो पूछता, तो फिर हम भी साहब बात ही करेंगे साहब, बाजार आप किससे करवाएंगे? शोभा, बाजार क्या मतलब? जरा सा कुछ आते बंसी बोलता है, मतलब यही कि अगर बाजार का सौदा सुल्फ हम ही करेंगे तो 30 लेंगे, वरना 40 महीना। अजीत, तो तरकारी बाजी में आप 10 रुपये मारेंगे, क्यों क्यों हो दोस्त, बड़े ईमानदार? अरे साहब, 10 रुपये के लिए बेईमानी करके कौन आपका अपना लोक परलोक बिगाड़े? ना करे तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारा कोई ईमान ही नहीं, ये तो भाग से नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं तो हम भी जात के अग्रवाल बनिए हैं। वह नौकर बोलता है, वाह क्या बात है, तुम नौकर कैसे हो सकते हो भला? एकदम खड़े होकर, जाओ जाओ, आओ आओ कुर्सी पर तशरीफ रखो। बंसी, साहब मजाक तो करिए, मजाक तो करिए मत। अच्छा जी, आप फिलहाल तो तशरीफ ले जा रहे हैं, ले जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम बुलवा लेंगे। मंसी नमस्ते करके चला जाता है। ये नौकरी करने आए हैं या लाड साहब भी? जी, मैं तो कहती हूँ अब नौकरों का यही हाल होने वाला है, नौकरों के पीछे भागने के बजाय हाथ से काम करना सीखो। मुझे, मैं तो खुद यही कहता हूँ शोभा से। शोभा उसे घूरती है, जी, तुम यहाँ कहते हो जीत, शोभा तो फिर भी करती करती है बेचारी, तुम घर का कौन सा काम करते हो? अजीत, मैं बहुत काम करता हूँ, यह घर ठीक से चलता रहे इसीलिए नौकरी करता हूँ। जी, अब केवल नौकरी करने से घर नहीं चलता, समझे? वे जमाने गए अजीत, जब आदमी ने नौकरी कर ली और औरत ने घर का सारा काम कर लिया, अब जब औरत भी नौकरी करने लगी तो मर्द को भी घर के काम में हाथ बंटाना पड़ेगा।
समझे? इस तरह और जी जी कहने लगती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला हिस्सा अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ।